ऐसे, लेकिन लकड़ी कच्ची होती है। तो ये देखे आप पूरा देख सकते हैं भाई साहब, ये चेक करो क्या हालत हुई है यार भाई, बहुत गलत है। मुझे कैंपिंग पे कहीं और ही जाओ। ये मैंने पकड़ लिया, बच गया सदस्य नीचे होगा। अभी हम यहाँ पर देखो चेक, ये अपनी आग जल रही है, अपनी पनीर और आलू तैयार हो चुके हैं, ये अपने चावल तैयार हो चुके हैं। सिस्टम ब्रो सिस्टम। खाना शाना खा लेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़े से ब्रेक के बाद। रुको तू कढ़ाई। तो गाइज अभी एक का सीन कुछ ऐसा है कि सारे बंदे रेस्ट कर रहे हैं। अरे ये देखो क्या कैसे सो रहे हैं, ये विकास भाई यहाँ सो रहे हैं, निकोर में मजे से चिल कर रहे हैं अभी। तो अभी एक काम ये है कि सब्सक्राइब करो फटाफट अपने भाई को जल्दी जल्दी। अभी बीच में करना सीधा सीधा मौत कोयल में पेट लाट मन, समझ रहे हो आप? क्या बोला उसने? सीधा मौत। ये क्या कौन सी बात है? तो चलो गाइस अभी हम बस यहाँ सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। खाना शाना हमने सब कुछ खा लिया है, अपने टाइम लैप्स में देखा ही होगा। तो अभी हम बस निकले, लेकिन अब हम जहाँ से आए वहाँ से नहीं जाएंगे, अब हम एक न्यू रास्ता एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, जैसा निकू ने आपको बताया हुआ था कि एडवेंचर पहली बात, जैसे रूबल है, जैसे विकास भाई है, ठप्पा है, ठप्पा नाम है इसका, ठप्पा ठप्पा वो क्या मतलब आड। तो भाई अभी हम बस थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होने वाले हैं। तो मेरी बैटरी भी बची है 24%, मैंने अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड पे डाल दिया है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा विकास भाई के मोबाइल से, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो बाद में तो वीडियो तो ले सकता है ना। तो चलो अभी मिलते हैं, जब हम वापस जाएंगे तब मिलते हैं आपसे। तो आप देख सकते हो, अगर आप जंगल आ रहे हो तो आनंद पूरा उठाएं जंगल का, ऐसे कोई फायदा नहीं है जंगल में आने का। देखो ब्लॉगिंग तो सब करते हैं, देखो ये बंदा जो है ना, इसने अभी टैलेंट रखा हुआ है, ब्लॉगिंग कर रहा है, ये अच्छी कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जंगल में जाना है, जंगल में इस ब्लॉग में आपको पूरा दिखेगा। ये देखिए कैसे चढ़ रहा है। तो ये कोई खाला जी का घर नहीं होता, ये देखने में चीज़ें आसान लगती है, लेकिन कहते हैं ना युजाइन सुई बात, आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, तो ये किसी महान इंसान ने मुझे, वो पेड़ के टॉप पे चढ़ गया वो लौंडा। देखो मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की, देखो मैं थोड़ा दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा मैं। वो देखे तो इतना कंठस्थ हो गया कि ये कोई सरल कार्य नहीं है पेड़ पे चढ़ना। वृक्ष पे चढ़ने के लिए भी आपको हुनर आते हैं। तो ये देखे आप कहाँ पे चढ़े हैं, ये हमारे ब्लॉक का एक मुख्य अंश होगा कि पेड़ पे चढ़ी चमेली। तो इससे ऊपर कच्ची होगी ये, तो थोड़ा ध्यान रखें, ये टूटती नहीं है ऐसे, लेकिन लकड़ी कच्ची होती है। तो ये देखें आप पूरा देख सकते हैं, इसको कायड़ का पेड़ बोलते हैं, कायड़। तो रुबल ने सारी चीजें गिरा दी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको देखा होगा, उतर रहा है, मकड़ की तरह उतर रहा है, मकड़ छो जानन। तो ब्लॉग बनाने का हमारा मकसद आज का यही था कि थोड़ा इंसान अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो ये एंजॉयमेंट होती है। हमारे ब्लॉग में आपको ऐसी ऐसी चीजें जरूर दिखेंगी, बट ये जो थोड़ा कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था काम से, तो वहाँ ये इस तरीके के कंटेंट नहीं बना पाता है। तो ये काफ़ी डोले शोले बनाए हुए हैं इसमें, बाल देखिए आप, मुझे लगता है ये ना चाहते हैं। बहुत जल्द आपका भाई डेडलॉक बनाएगा। तो ये होता है कायड़ का किलम बोलते हैं इसको, ये बालों के लिए अच्छा होता है, अगर किसी के बाल जल रहे हैं इसको लगाया जाता है, लेकिन
इसको गर्म करके बनाया जाता है, तब जाके इसमें वो ये तेल जैसा हो जाता है। अभी ये किलम है। ये चीज़ें आपको जब जंगल में रहोगे जंगलियों के साथ तब पता चलेगी। सही बात है, एकदम सही बात है। तो गाइस अभी हम वापस की तरफ निकल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं वापस की तरफ। तो मैं विकास भैया ठप्पा कहाँ गया वहाँ पर है ठप्पा और अभी और निकू चल रहा नीचे। तो फिर वापस की तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और मैंने वीडियोज़ वगैरह कुछ बनाई हैं, फोटोज़ वगैरह कुछ क्लिक किए हैं, वो मेरे इंस्टा अकाउंट पर आपको पता चल जाएंगे। आप जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन पे, मेरा इंस्टा अकाउंट है तो फॉलो कर दीजिए, फॉलो बैक मिल जाएगा सबको। किसी को मैं ऐसे नहीं रखता, सबको फॉलो बैक करूँगा। यहाँ सब विकास भैया अभी हम जा रहे हैं वापस, लेकिन हम जा रहे हैं ऐसे इलाके से, चेक करो, पता ही नहीं कि आगे रास्ता कहाँ है। यहाँ पर तो रास्ता है ही नहीं, लेकिन हम रास्ता बना रहे हैं। इसी में तो मज़ा है मेरी जान, इसी में तो मज़ा है। तो भाई अभी निकलते हैं हम बड़े प्यार के साथ, चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। विकास भाई ये चेक करो यार, क्या हालत में चाहिए ये देखो। बहुत अच्छी हालत है विकास भाई। क्या यार आप अभी तक कुछ और ही बोल रहे थे, आप कुछ और ही बोल रहे हो। देखो क्या हालत में चाहिए यार, अच्छी हालत है। तो भगवान ने कुछ चाहिए, भगवान ने नहीं किया ना, यहाँ के बंदों ने किया है। पूरा जंगल डिस्ट्रॉय कर दिया, आग लगाई है, कभी कहीं पेड़ काट दिए हैं। नेचर के साथ छेड़खानी मत करो, नेचर के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी मत करो, क्योंकि अगर नेचर ने तुम्हारे साथ छेड़खानी कर दी ना भाई तो याद रखोगे। तो गाइस अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं इस जगह पे, चेक करो गाइस, पूरा किश्तवाड़ अपना दिख रहा है यहाँ से, कितना दूर तक फैला हुआ है अपना किश्तवाड़ यार, वाओ। मैं और अभी यहाँ पर है, बाकी वहाँ रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा, तो व्लॉग वगैरह बनाने आए थे। तो भाई चेक करो यार, क्या अल्टीमेट जगह है यार। सारे किश्तवाड़ा मैं आपको ट्रैकिंग पे लूँगा, जितने भी यार दोस्त हैं जानू स्टूडेंट्स इंसेंट व्लॉग्स जितने भी हैं आ जाओ सारे, आपका भाई आपके साथ है। चलते हैं यहाँ पर, चेक करो ओ भाई अभी हम यहाँ से इधर ऊपर से स्लिप हुए पूरे, ये चेक करो हालत है क्या हुई है। ओ भाई साहब मसा मसा भाई को ऐसे पकड़ा है भाई, इधर ऊपर से यहाँ तक स्लिप हुए। ओ भाई साहब ये चेक करो क्या हालत हुई है यार भाई, इधर ऊपर बहुत गलत है, इधर तक यहाँ से भी अभी नीचे स्किड होना है ब्रो। ओ भाई साहब चलो निकलते अभी यार, चल भाई फिर गिरेंगे कोई इशू नहीं, गिरेंगे तो गिरेंगे। ओ यार ऐसे पता है स्लिप हो रहा है, इधर से उस गेट आते वही 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 सिस्टम। ओ भाई साहब अल्टीमेट, तू मेरे साथ रहे हुए तो गिरे ने तो गाइस ये तो सिस्टम खराब है ब्रो। हाथ पकड़ो मेरा, मैं तुझे संभाल लूंगा थोड़ा। एक्सपीरियंस ही नहीं है चलने का, एक्सपीरियंस हमें है लेकिन तुझे पकड़ना पड़ रहा है ना, और हमें कोई इशू नहीं है। मतलब क्या स्लिप करवा रहे हैं जो पेड़ वगैरह। हाँ अल्टीमेट ब्रो, अल्टीमेट मजा आ रहा है ब्रो, आराम से कोई इशू नहीं। चेक करो अभी हम कहाँ पहुँचे, हमें बहुत नीचे जाना है यार। भाई ये चेक करो यार क्या हालत हो गई यार, इतनी बार गिरे ना हम अल्टीमेट। अब यहाँ से जाना है। ओ भाई साहब स्किट मारते मारते पहाड़ उतर रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ से हमें और स्किट है पूरा, हम आराम से जा रहे हैं। ओ भाई साहब अल्टीमेट 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 ब्रो मजा है।
मजा है ब्रो, मजा है ये। यार इस हिसाब से मुझे कैंपिंग पे कहीं और ही जा। वो था ये, मैंने पकड़ लिया, बच गया। सदस्य नीचे उधर हालत चेक करो भाई, क्या हो गई ये देखो हालत। आराम से कोई इशू नहीं है। ट्रिक लगानी पड़ेगी ब्रो इधर भी यार। मैंने कांटो वाला पेड़ पकड़ लिया। क्या हुआ? क्या? चलो चलो वहीं चलते, कोई इशू नहीं है, बड़े बोर रहे हैं, चलते हैं। भाई मेरा दिल अभी पता है किसी आवाज कर रहा है, धक धक धक, मुझे पूरा सुनाई दे रहा है। अभी थप्पा विकास भाई कहीं उधर ही है या पर अपना निकू है। दिल मेरा कर रहा है धक धक धक, मुझे पूरी सुनाई दे रही है आवाज। भाई मजा यार, चेक करो गाइस एक बार। मैं और आपको बोल रहा हूँ इंस्टा पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा अकाउंट है, जल्दी जल्दी फॉलो करो, फॉलो बैक मिलेगा सबको। और वहाँ वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ जो जो मैंने ऊपर बनाई है, तो फटक से जाइए। तू ऐसे आ रहा है, वो कैसे आएगा? सिस्टम ब्रो, सिस्टम तेरा सिस्टम है ना, बच जाएगी तो खून निकलेगा और क्या होगा। आजा, रास्ता नहीं भाई, हम रास्ता बना रहे हैं। है ही नहीं रास्ता, हम रास्ता बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नई जगह। निकू भाई का डायलॉग आपको याद होगा, चलो वो डायलॉग डालना है। हाँ, उसके बगैर फायदा ही नहीं। और क्या, पूरे सिस्टम का फनी। आ जल्दी आ भाई, वो क्यों नहीं बनेगा, मैं हूँ ना उसके साथ, मैं गोदी उठा के लूंगा। चला आजा, चलो। हाँ जी, तो भाई साहब अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो क्या छिल गया है, मेरा बाजू पूरा छिल गया है ब्रो, इधर से ये सिस्टम हो गया ब्रो, इधर से ये भाई। अभी सीन कुछ ऐसा हुआ कि जो विकास भैया और अभी हैं वो उस साइड चले गए हैं और हम अलग साइड चले गए हैं, तो हम टोटली अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। लेकिन देखते हैं अभी, अब हम आवाजें तो दे रहे हैं लेकिन पता नहीं पहुंच रही आवाजें वहां की नहीं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस जगह पे। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मेरी बैटरी बहुत ही कम है, बहुत ही कम मेरी बैटरी, तो ये चेक करो क्या हालत होगी भाई। इतने कट शट लग गए ना इधर, सिस्टम हो गया ब्रो, मेरी बैटरी लंबा हो जाएगा, सीधे नीचे उतरेंगे। तो गाइस अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं, उतना पूरा सफर हमने कर लिया है, हम वापस अपनी इस जगह पे पहुंचे हैं, चेक करो। बट बस थोड़ा सा दूर है, बड़ा मजा आया यार। और जिसको भी ये चीज़ का नहीं पता है, मैं उसको वो चीज़ बता देता हूँ कि हमारे हंकुत महाराज में जो ये पेड़ है, ये वाला पेड़ है, चेक करो, ये 90% नीचे से पूरा जला हुआ है, लेकिन फिर भी चेक करो कितना कितना बड़ा पेड़ है। और ये चेक करो, यहाँ से पूरा खोखला है, यहाँ से पूरा जला हुआ है, सोचो पेड़ कैसे खड़ा है, बल्कि ये पूरा 90-95% नीचे से पूरा जला हुआ है। सोचो, कमेंट्स में बताओ कि कमेंट्स में बताओ कि ये चीज कैसे हो सकती है यार, चेक करो। ये कम से कम कितना साल पुराना का विकास हुआ, 300-400 साल पुराना ये पेड़, ज्यादा होगा 500, 500 years प्लस ज्यादा एज है इस पेड़ की, चेक करो नीचे से देखो कितना खोखला है ये, माँ की कसम सिस्टम है ब्रो। आजा, तो हे गाइस वेलकम बैक। तो फाइनली हम अभी अपने घर के रास्ते पे पहुंच चुके हैं, काफी मेहनत के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद हम अपने घर के रास्ते पे पहुंच चुके हैं, चेक करो आप, चेक करो गाइस। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। ओके, बाय गाइस, बाय बाय, राम राम, टेक केयर, लव यू ऑल।